हाँ जी, आर यू स्केयर्ड ऑफ चेंजिंग कॉलेज इन कैनेडा? तो मन के बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे कि जे मैं कॉलेज चेंज कर लिया मेरी फीस रिफंड हो जू या नहीं, तो ये चीज़ करके मेरे वर्क परमिट के या पी आर के नहीं कोई इशू आ जूगा। आई नो ये सारे क्वेश्चन माइंड आते हैं, बिकॉज मैं भी अपना कॉलेज चेंज किया इन 2018 जो मैंने कैनेडा के कोई भी नहीं जानता स। बट डोंट वरी, अज की वीडियो आप सारा कुछ क्लीयर आउट कर देना, थोड़े सारे क्वेश्चन से थोड़ा आंसर्स मिल जाने हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव बीन हैल्पिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन चेंजिंग देयर कॉलेज फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। अज की वीडियो एक मास्टर क्लास होगी ऑफ ऑल द IRCC रूल्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने जो तुम कॉलेज चेंज करना। जो तुम भी इस सब कुछ जानने इंटरस्टड हो तो वीडियो ने अड़े तक जरूर देखियो। कॉलेज चेंज का प्रोसैस स्टार्ट करने तो पहले एक एडवाइस देना चाहना जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम कॉलेज चेंज करना प्लीज़ प्लीज़ किसी अपने फ्रेंड तो या अपने इंडियन एजेंट तो कदे भी एडवाइस ना लो। की होंगे कई बार तुहाडे फ्रेंड्स नूं नॉलेज नहीं होंगी हैगी जिदे करके तुहानूं गलत गाइड कर सकदा है, ते तुहाडा स्टेटस है जिहड़ा कैनेडा दे विच खराब हो सकता है, या कई बार वह तुहानूं इन्ना डरा आंदा है कि तुसीं कॉलेज ही नहीं चेंज करदे। दूसरा है तुहाडा इंडियन एजेंट, वह कदे नहीं चाहुंदा कि तुसीं कॉलेज चेंज करो, क्योंकि जे तुसीं कॉलेज चेंज करदे हो उन्होंने जो कॉलेज वालों कमीशन आना होंगे वो रुक जाता है, तो करके तुम्हें गलत एडवाइस भी दिता कि तुम्हें डरा भी है कि तुम्हें डिपोर्ट कर दिता जाऊगा, तो स्टडी परमिट रिवोक कर दिता जाऊगा, तो यह दो बंद तो कभी भी सलाह नहीं लैनी। उस तो बाद एडवाइस मन के फिर करना तुम अपने कॉलेज चेंज का प्रोसैस स्टार्ट। सब तो पहले की होंगे जो भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा के आता है, सब तो पहला स्टैप की लैना कि अपने कॉलेज की रिफंड पॉलिसी चैक करनी है कि मैं फीस कितनी रिफंड होनी है। कि जे तुहानूं नहीं पता कि किवें तुसीं रिफंड पॉलिसी चैक कर सकते हो कॉलेज, तो तुसीं मेरी आह वीडियो चैकआउट कर सकते हो। उस तो बाद जो तुसीं रिफंड पॉलिसी चैक कर ली तो बाद तुसीं इनफॉर्म करना कॉलेज नूं, उन्ना जल्दी जिहड़ा कॉलेज नूं इनफॉर्म कर दो कि तुसीं कॉलेज चेंज करना है। उहदे विच जिहड़ा तुसीं रीज़न पाउणा वह तुसीं कोई भी पा सकते हो, तुसीं नॉर्मली भी लिख सकते हो कि ड्यू टू माई परसनल रीजनस आई वॉन्ट टू चेंज माई कॉलेज, वो कोई भी रीज़न होना चाहिए। हुण तुसीं इनफॉर्म किवें करना है, इनफॉर्म वास्ते तुसीं उन्हां नूं ईमेल कर सकते हो, मैं तुहाडे लई एक डेमो ला देना, एवें तुसीं जिहड़ी अपनी ईमेल लिख सकदे हो। उस तो बाद जदों तुसीं कॉलेज नूं ईमेल पाते उन्हां दा रिवर्ट बैक आउण, ते 99% केसिस दे विच की हुंदा जिहड़ा तुहाडा करंट कॉलेज हुंदा है वह तुहानूं पुछदा है कि किहड़े कॉलेज दे विच तुसीं जाणा चाहुंदे हो, उहदा सानूं ऑफर लैटर ते फीस रिसिप्ट प्रोवाइड करवा दो। तो इन मोस्ट ऑफ द केसिस च इह होऊगा कि जे मान लो तुसीं जैन 2025 दे विच आउणे हो तो तुहानूं कोई भी पब्लिक कॉलेज सेम इनटेक का नहीं मिलना, तुहानूं अगले इनटेक का मिलेगा। तो पब्लिक कॉलेज का ऑफर लैटर आने तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक 3 to 4 weeks लग जाते हैं। बट उन्ना टाइम कॉलेजेस नहीं वेट करते, तो वो वास्ते तुसी किसी प्राइवेट कॉलेज तो ऑफर लैटर ते फीस रिसिप्ट ले सकते हो। मेक श्योर जो भी तुसी प्राइवेट कॉलेज की ऑफर लैटर ते फीस रिसिप्ट लेनी है तो वह वेरीफाइड होवे, बिकॉज कॉलेज में जो तुसी देओगे उन्होंने वेरीफिकेशन करनी है, उस तो बाद ही तुहाडा रिफंड इशू करना है। तो मेक श्योर जिहड़ा भी तुसी प्राइवेट कॉलेज का ऑफर लैटर ते फीस रिसिप्ट लाओ वो एक जेन्युइन बंदे तो लाओ, उहदे वास्ते असी भी तुहाडी हैल्प आउट कर सकते हैं, लाइक वी कैन प्रोवाइड यू ऑफर लैटर ऑफ प्राइवेट कॉलेज एंड फीस रिसिप्ट, उहदे वास्ते तुसी सानूं जिहड़ा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हुण जदों तुसी प्राइवेट कॉलेज का ऑफर लैटर ते फीस रिसिप्ट प्रोवाइड करवा देने हो उस तो बाद तुहाडा रिफंड इशू हो जाता है। बट मैं एक गल होर दसी सी कि तुहानूं सेम इनटेक दे विच पब्लिक कॉलेज नहीं मिलता, हुण उस तो बाद तुहाडा स्टडी दे विच गैप आ जाता है जिहड़ा हुंदा जनवरी तो लैके मई तक। मेक श्योर ये जिहड़ा गैप तो 150 दिन तो वध नहीं होना चाहिदा। ये डेज तुसी काउंट करने फ्रॉम द डे ऑफ योर लैंडिंग, कि जिद्दे तुसी लैंड होए जिद्दें थोड़ी पहली क्लास शुरू हुई थोड़े दूजे कॉलेज दे विच, उहदे विच जिहड़ा 150 दिन तो वध दा गैप नहीं होना चाहिदा। जे उस तो वध हुंदा है तां उहदे वास्ते तुसी किसी प्राइवेट कॉलेज दे विच एडमिशन लै सकदे हो, उत्थे जिहड़ा स्टडी करके अपना गैप कवर कर सकदे हो, क्योंकि जे इह गैप 150 दिन तो वध हुंदा है ते तुसी किते भी एडमिशन नहीं लैंदे तां इह स्टडी परमिट दी वायोलेशन होऊ, जिहदे करके तुहानूं वर्क परमिट दे विच जां PR दे विच भी दिक्कत आ सकदी है। बट मैं एक चीज़ तुहानूं होर समझा दां, जे तुहाडा 150 दिन तो घट गैप है तां किसी तो भी जिहड़ा प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन लैन की लोड़ नहीं हैगी, बिकॉज बहुत सारे एजेंट्स यह जे ने जे थोड़ा जान बुझ के डराते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा जहा भी गैप है 2 या 3 महीने का भी गैप है तो भी तुसी प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लो, वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, 2500 to $3000 लुटना चाहते हैं। तो यह चीज़ समझो कि बहुत सारे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली तो आते हैं तो लोन लेके आते हैं, तो यही जी गलती ना कराया करो कि जे थोड़ा 150 दिन तो घट का गैप है, ये IRCC वालों ही रूल है कि असी इन्हें ऑथराइज लीव मनांगे जिदे करके थोड़ू कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, तो यह चीज़ बारे अवेयर रहना है। हुण मेक श्योर जो भी तुम पब्लिक कॉलेज के लगते हो तो अपना DLI नंबर जरूर अपडेट करो, बिकॉज एज़ पर द IRCC रूल्स कि जे तुम कॉलेज
ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ DLI ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ DLI ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ DLI ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ DLI ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਨੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ Jan 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ November 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ IRCC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ $2,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2,500 ਫੀਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $2,500 ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ $5,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖ।